तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान, 20 रुपए की हलीम और 10 रुपए का नान। तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ दूँ, तू कहे तो सारे कायनात की खुशियाँ मोड़ दूँ, इतना काफ़ी है मेरी जान या 2-3 और छोड़ दूँ। शादी के लिए हम दुआई ले रहे हैं। क्यूट से हम भाई मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? पहले से फ़र्क है। पहले से फ़र्क है, पहले क्या हुआ बता। दवाई ले रहा हूँ ना मैं अभी। किस चीज़ की? शादी के लिए। शादी के लिए हम दवाई ले रहे हैं। कौन सी दवाई है जो शादी के लिए ली जाती है? ये लाहौर में काफ़ी दवाखाने हैं, सैफ दवाखाना, सुलेमान दवाखाना और जर्मन हेल्थ सेंटर, बहुत सारे दवाखाने। क्या सवाल करूँ इनसे, मतलब क्या कोई मतलब इंटरनली इश्यूज का? नहीं, ये होता है शादी के लिए बंदे को थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए ना, अपनी फिटनेस का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो इसके लिए खोचा हम दवाई ले रहे हैं। सही हो गया, सही हो गया, माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए चाहे वो कुछ भी है। देखिए जी, सेहत है तो सेहत से ही सारे मामला होते हैं ना। तो जहान है, जहान है, मेरी बात का गलत मतलब मत लें। मैं सही सोच रही हूँ, जान है तो जान है, इससे तो पूछा कि कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत हम बहुत फिट है, हमने तो अभी 3 शादियाँ करनी है, इतना फिट होना हमने। हाँ जी, उसके लिए दवाई तो जरूरी है ना। फिर एक तो एक भी नहीं हुई भी ना अभी? अभी एक के लिए तो इधर घूमने आए हम, अभी एक एक इधर कुछ देख रहा है, हमको मिल नहीं रहा। आप कहाँ से हैं? मैं ये हूँ ओकाड़ा से। तो उधर कोई नहीं मिली शादी के लिए, इसीलिए तो हम लाहौर में आए। लाहौर में जरा अच्छी लड़की मिल जाती है ना। मिली आज तक? अभी मिली नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। इस मॉल में आए ढूंढ रहे? हाँ जी, ये मुझे दोस्त ने बताया था कि इस मॉल में जाएं, बहुत अच्छा लाहौर का मॉल है अमाना मॉल, तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह, ये कौन से लोग हैं? मैं सोच रही थी कौन से लोग हैं जो मॉल्स में जाते हैं लड़कियां ढूंढने, आज मैंने उन लोगों को पा लिया। ऐसे लोग हैं, ऐसे ये भी लड़की ढूंढने आई है, सारे खड़े इधर। कुड़ियां ढूंढने आए हो? नहीं, ये भी हमारा दोस्त है, ये भी पेशावर से आया है। आपको ये भी खराब कर रहे हैं, ये आप सबको खराब कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम मिलके खराब हुए हैं, सारे मिलके खराब हुए हैं। खराब होने की वजह? ये हमारे दादाजी का मतलब असर हम पे पड़ा है। दादाजी ने कितनी शादियां की? दादाजी ने हमारे तकरीबन 5-6 शादियां की थी। हाँ जी, अभी तो वो फिट है, सेहतमंद है। 5 + 1 यानी 6 शादियां? हाँ जी, दादा हमारा बहुत फिट है, उसका 7 फुट हाइट है, हमारा 7 फुट उसका कद है, बहुत फिट है वो। 6 शादियां और बच्चे कितने थे उनके? बच्चे माशाल्लाह कोई 15-16 थे, मेरे चाचू काफी हैं। आपके काफी चाचू हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। आप उनके कौन से बेटे में से थे? मैं जो था ना दूसरे वाले बड़े, उनमें हूँ। उनमें हूँ आप, और आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम तकरीबन, हम तो थोड़े हैं। कितने? हम तो सिर्फ भाई ही भाई हैं, बहन हमारा नहीं है, हमारे अबू की भी बहन नहीं है, ज्यादातर हमारी फैमिली में भाई हैं, लड़के भाई भाई चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। भाई कितने आप? भाई 3 है। हाँ, वाकई कम? हाँ जी वाकई। तो आपके बाप इम्प्रेस नहीं हुए थे दादा बुए से, और आप इम्प्रेस हो? हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। ये क्या बात हुई? बस ये खानदानी सिलसिला चल रहा है। ये अपने बाप से इम्प्रेस ना हुए, ये अपने दादा से इम्प्रेस हो? ऐसे ही है बिल्कुल। क्या कैसी चाहिए उसमें क्या? मैं चाह रहा हूँ मैं भी अपने दादा के जो ना कदमों पे चलूँ, तो दादा ने अगर इतनी की है तो हम भी तो कोई 3-4 करें ना। वैसे भी वैसे 16 बच्चे किए थे तो आप कितने करेंगे? इस्लाम में जायज़ है, इस्लाम में आप 4 शादियां कर सकते हैं। दादा ने तो 6 की थी, तो वो तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं ना, जैसे जैसे चीनी है। जैसे मेरी बात सुने, हमारे नबी में ने तो 11 शादियां की थी ना, तो इस्लाम में 4 शादियां कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, दादा ने 16 बच्चे किए, आप कितने बच्चे करेंगे? मैं इंशाल्लाह कुछ दर्जन तो करूंगा, एक दर्जन बहुत जरूरी है। एक शादी से? देखे पाकिस्तान एक दर्जन एक शादी से नहीं, तकरीबन 3 में से लोड डिवाइड हो जाएगा ना फिर। 4 शादियां, 4 × 3 = 12। हाँ जी, 3 बच्चे हार। इंसाफ करूंगा तीनों के साथ। पाकिस्तान में ना इंसाफी क्या चल रहा? पाकिस्तान में ना इंसाफी हो रही है, लेकिन हम इंसाफ करेगा। हाँ जी, लड़की कैसी चाहिए? हाँ, लड़की थोड़ी सी हेल्दी हो, आपकी तरह हेल्दी हो। हाँ, नहीं हेल्दी का ये साइन नहीं है, हेल्दी का ये साइन है। देखें लड़कियां जो ज़्यादातर स्मार्ट हैं, सो स्मार्ट गोल गप्पे खाने वाली लड़कियां मुझे नहीं पसंद हैं। लड़की थोड़ी सेहतमंद होनी चाहिए, कोई अच्छे खाते पीते घर की होनी चाहिए।
अब ये कोई बात ढूंढो फिर। सारी लड़कियां ऐसे स्मार्ट स्मार्ट पैंट शर्ट पहनी हुई, ये कुछ बात है भला करना? ये कोई बात है? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। लड़की को खाना पीने वाला होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बात ढूंढ लो ना। हाँ, ये हम बट कढ़ाई वाला उनके उनसे बहुत इम्प्रेस है। हम बट कढ़ाई भी जाएगा वहाँ पे, लाहौर की हर नुकर में ढूंढेगा, ऐसे कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। आप काम क्या करते हैं? सच्चे दिल से आप ढूंढने मिले, सच्चे दिल से आप कुछ ढूंढने लगे तो आपको खुदा भी मिल जाता है। हाँ जी, बात सही है, लेकिन उसको लड़कियों पे तो ना वो करो। देखें, अगर ढूंढेंगे तो लड़की मिलेगी ना, वैसे घर बैठे तो आए नहीं। अभी तक मैं उनको बहुत बार कह चुका हूँ लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए मैंने सोचा हम खुद करेगा, हम खुद करेगा। जो कोई ना कर सका वो हम खुद करेगा। जी, खुद करेगा। मुझे ये बताओ, और वैसे भी कहते हैं खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पागल हो गए, इनको लड़की चाहिए। आपने काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब करते हैं? मैं स्टोर मैनेजर हूँ कॉस्मेटिक की कंपनी में, जो क्रीमें बनाते हैं हम। गोल्डन पर्ल फाजा ये हमारा और है, पार्ले कॉस्मेटिक। वो ब्लीच बनाते हैं और अपना ब्यूटी क्रीम बनाते हैं, फेस वॉशेस बनाते हैं। हम आपको भी देगा ब्यूटी क्रीम। मुझे क्यों देंगे? आप पहली प्यारी हैं, आपको जरूरत नहीं है ब्यूटी क्रीम की। उससे आर्टिफिशियल कलर आ जाता, अपना कलर आपका खत्म हो जाता। तो या ये भी आपका आर्टिफिशियल ही है? आपने कौन सा लगाया, महंगा वाला क्या सस्ता वाला? नॉर्मल मिक्सर, कुछ चीजें महंगी कुछ सस्ती। अच्छा अच्छा, ये है उधर, हर चीज 300 रुपए में, हर चीज 300 रुपए में, वहाँ से लिया इन्होंने। 300 वाली लगाई हो तो शिकायत शायद मेरी स्किन खराब। अच्छा अच्छा, चले बादल हम आपको अच्छे वाला देगा। सर, ये दाढ़ी का क्या स्टाइल यूनिक है आपका? ये मुझे ऐसे लग रहा है फिल्म के कोई विलन के उनको ऐसे रखते हैं दाढ़ी। विलन नहीं, ऐसा हीरो रखता है। हम आप हम सा हीरो, कौन सा हीरो? हीरो लग रहा है क्या? विलन वाला दाढ़ी हमारा भाई? ना ना, संगे पखैर पुख्तून रहा कभी। ये क्या हमने कहा? नहीं, हमारा दाढ़ी अच्छे वाला है। हाँ जी, हाँ। कौन सा हीरो आपका फेवरेट? मेरा है सलमान खान। सलमान खान? सलमान खान क्यों भाई? सलमान खान को ये है कि वो बहुत पॉपुलर है। उसने आज तक शादी नहीं की, हम इसलिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है उससे। आप तो शादी करने के चक्रों में इम्प्रेस तो वो होता है जो आप उसके नक्शे कदम पे चले। ये हम इसलिए इम्प्रेस है कि वो इतनी शादियां कर सकता है, इतना उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो शादी क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ शादी करना चाहता है, ये चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग घूम रहा है। ये पता नहीं उसने शादी क्यों नहीं की। जिसको पसंद करता है वो कहीं राइट लेफ्ट हो जाती है। हाँ, वो कैटरीना कैफ ने वो उसने आगे बेफाई कर ली और आगे किसी और शादी कर ली। विकी क्रोशर। हाँ, विकी विकी, ये उसने बहुत ज्यादा बुरा किया उसके साथ। मूवी आ गई टाइगर 3। हाँ जी, वो भी आ रही है कमिंग सून, कैटरीना की सलमान भाई के साथ ऐसी। हाँ, ये मूवी में तो काम इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन हकीकी लाइफ में तो उसने धोखा कर दिया ना उसके साथ, बेवफाई कर दी। लड़कियां होती है, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा बेफाम। कैसे पता है? लड़कियों ने तो लड़कों के नाम रखे थे, मुर्गा नंबर 1, मुर्गा नंबर 2, मुर्गा नंबर 3। ऐसे ही है। आपको कैसे पता है? ये एक लड़की ने दोनों मोबाइल रखे होते हैं, एक इधर के रख रहा होता है और एक इधर रख रहा होता है, दोनों के साथ बात कर रही होती है। ऐसे ही, ऐसे ही सियासतें किसी को नहीं आती। ये लड़कियाँ बहुत तेज होती हैं। आपके साथ कभी किसी ने बेवफाई की है? नहीं, अभी मौका ही नहीं मिला। सिंगर अभी मौका मिलेगा तो वफा या बेवफाई होगी ना। आपको क्या लगता है, पहला रिलेशन आपका बेवफाई में होगा या वफा के साथ होगा? नहीं, मैं अच्छा हूँ तो उम्मीद तो करता हूँ आगे से अच्छा होगा। इंसान अगर खुद अच्छा है तो आगे भी इंसान को अच्छा। डायलॉग सुना दें। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और ये वाकई में नहीं सुन रहे अपने आप? नहीं नहीं, हम आपकी सुन रहे हैं ना इसलिए। शेर व शायरी आती है कोई गाना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। शेर सुनाए। तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान। अच्छा। तू ही है मेरा दिल, तू ही है मेरी जान, 20 रुपए की हलीम और 10 रुपए का नान। यार क्या बता रही होनी चाहिए। एक और सुनाना आएंगे। तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ दूं। अच्छा। तू कहे तो सारे कायनात की खुशियां मोड़ दूं। इतना काफी है मेरी जान, या 2-3 और छोड़ दूं? ये भी बहुत अच्छा है।
है। एक और, एक और सुनाऊं? एक और सुनाए। पक्की सड़क बनाई सी टूट गई है, पक्की सड़क बनाई सी टूट गई है, बाहर थोड़ा पैंदा सी वजन थोड़ा पड़ता था उस पे ऊपर। अच्छा, ये शेर था। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा गपशप लगा के, आपने आके इतना हंसा दिया हमें माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ खुश रहना चाहिए, जिंदगी का क्या पता, जिंदगी चार दिन की है, दो दिन की चांदनी फिर देरी रात रात। ऐसे अच्छा लगा गपशप लगा के, कहा सुना मॉल। ओके जी, थैंक यू।